हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन है आरएस अग्रवाल का, एग्जांपल नंबर 4 है। अच्छा एग्जांपल है एक्सरसाइज 11E से। कह रहा है कि इफ एबीसी आर इन एपी तो शो करो ये भी एपी में होगा। अगर मैं अपने बेसिक रूल पे जाऊं तो बेसिक रूल क्या कहता है, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा है कि इफ एबीसी आर इन एपी तो क्या हिट करेगा, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये हिट करेगा। अब दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस पे भी यही हिट करना चाहिए तो मेरा काम हो जाएगा और आपका आंसर आ भी जाएगा, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हो भी सकता है। बट हमें क्या करना है, हमें अपने मेथड्स में थोड़ी सी वैरायटी डालनी है। कैसी वैरायटी, हमने एक चीज पढ़ी थी पहले भी कि इफ ए बी सी आर इन एपी तो ए प्लस समथिंग, ए माइनस समथिंग, ए मल्टीप्लाई समथिंग, ए डिवाइड बाय समथिंग, दे ऑल्सो आर इन एपी, बोले थी ना। तो हम उसी चीज को यूज करेंगे, डिवाइड ईच टर्म बाय ए बी सी, देखो क्या मिल जाएगा। देयर फोर ए अपॉन ए बी सी, b अपॉन ए बी सी, सी अपॉन ए बी सी, आर इन ए पी, देयरफॉर। और हम कह सकते हैं a अपॉन ए बी सी, बोलो क्या आ गया, 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन ए सी, 1 अपॉन ए पी, आर इन ए पी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो भी गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, कह रहा है कि ये भी एपी में प्रूव करो। अब देखो आप एक बात, एबीसी एपी में है तो ये भी एपी में होगा और ये एपी में है तो ये भी एपी में होगा। हालांकि उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, पर मैं कह रहा हूं एबीसी एपी में तो ये तो एपी में हो ही गया। अब आपको ये और प्रूव करना है तो मैं इसको थोड़ा सा सोच के देखता हूं, क्या दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस करने से ये हो जाएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने रफली सॉल्व करके देख लिया है, आप भी देख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं करना था इसलिए मैं डायरेक्ट उस पे आता हूं जो हमें करना चाहिए। अच्छा मैं सोचता हूं कि इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या होगा, पहले बी सी एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा सी प्लस ए, है ना। लगभग लगभग कुछ ऐसा होने जा रहा है, एक रफली हम कर लेते हैं कि अगर देखा जाए तो बी सी एलसीएम सी प्लस बी और बाहर है ए, तो ये आ गया ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी, है ना। इसी तरीके से जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें सी एलसीएम आएगा, ऊपर आएगा ए प्लस सी और बाहर लिखा है बी, तो ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी। कुछ कुछ इस तरह की फॉर्म्स हर जगह बनी हुई है, ऐसे ही है ना। तो हम अब देखो, मैंने वो चीज अभी आपको साइड में करके दिखाई है, तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि यार क्यों ना इसी कॉन्सेप्ट को किसी तरीके से यूज कर दिया जाए। अब वो कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता है जरा हम देखते हैं, है ना। सिंस 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन ए सी, 1 अपॉन ए बी आर इन ए पी, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाई ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब आप कहेंगे सर ये ऐसे कैसे पता चलेगा, बेटा ये ऐसे आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा कि हमने मल्टीप्लाई इसी की यूज करी। लेकिन इसका सेकंड रीजन क्या है कि मैंने जो अभी क्वेश्चन देखा था, जो भी मैंने साइड में किया था, उसमें क्या आ रहा था, ऊपर आ रहा था ए बी और बी सी, नीचे आ रहा था ए सी। अगर ऊपर आ रहा था ए बी और ए सी, नीचे आ रहा था ए बी, तो हमने देखा कि ए बी बी सी ए सी की कॉम्बिनेशन चल रही है, तो उस कॉम्बिनेशन को यहां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी डिवाइड बाय बी सी, दे आर ऑल्सो इन ए पी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन ए सी, दे आर ऑल्सो इन ए पी, दे आर ऑल्सो इन ए पी। अब देखो सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं कैसे, ए बी और ए सी को आप एट जगह रखो और बी सी को एट जगह, ऐसे ही ए बी और बी सी को आप एट जनरा रखो और ए सी को एट जनरा, ऐसे ही
बीसी प्लस एसी को आप एट जनरल रखो, वन वन वन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी प्लस वन, ये क्या हो गया ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी प्लस वन, और ये क्या आ गया बी सी प्लस ए सी अपॉन ए बी प्लस वन। सब में से वन हटा दो भाई और ए कॉमन ले लो, ए कॉमन बी प्लस सी अपॉन बी सी, बी कॉमन, दोनों चीजें हो गई, वन भी हटता चला गया। अब मैं सब चीजें साइड में लिखनी होती है, नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप समझ रहे हैं ध्यान से, बी कॉमन अंदर बचा ए प्लस सी अपॉन ए सी प्लस वन, सी कॉमन अंदर बचा बी प्लस ए अपॉन ए बी प्लस वन, सॉरी प्लस वन तो हट ही गया, तीनों को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब देखो ए बाहर है, बी ने बी को डिवाइड किया, तो यहां तो बचा केवल वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन बी, यहां वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन ए, और यहां वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी। जैसा आपको चाहिए उस हिसाब से आप प्लस माइनस में चेंज कर सकते हैं, यहां तो दोनों ही प्लस हैं, वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी लिख देनी है, बाकी सब कुछ एज इट इज है, दे आर ऑल्सो इन एपी, ये लाइन तो सब में चलनी है, आर इन एपी आर इन एपी आर इन एपी, इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।